और देखिए इसके कारण मैं अपना हाथ में लेकर रखा हूँ साइलेंट किलर, किंतु भारत में पहला मैं इसके बारे में बताया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही अजीब घटना इंडियन कॉमन करे। एक बिस्तर में माँ और बच्चे दोनों सो रहा था, उसी वक्त इंडियन कॉमन कर रहे थे, बच्चे को बाइट किया, बच्चे को बाइट करने के बाद उसके बाद माँ को भी बाइट किया। माँ को बाइट करने का उसी समय में पता चला, माँ को जैसे ही पता चला, माँ एक हाथ में उस सांप को और एक कंधा में उस बच्चे को लगातार 4 किलोमीटर उस बच्चे को लेके दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँचा, और जहाँ पर उस बच्चे को तुरंत इलाज के लिए रखा गया, लेकिन माँ तुरंत दम तोड़ दिया। कारण क्या है? माँ लगातार लगभग 4 किलोमीटर दौड़ते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ते हुए गया, क्योंकि उसके घर के आसपास गांव में कहीं पर भी कोई चिकित्सा केंद्र जहां पर सर्पदंश का इलाज होता है, क्योंकि महिला को पता था इसका एकमात्र उपाय है डॉक्टर मेडिसिन एंटीवेनम, ना कि झाड़फूंक। ये घटना जो है आपका हिमाचल प्रदेश, जहां पर सर्पदंश के बाद माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए लगातार 4 किलोमीटर दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन बच्चे अभी स्वस्थ है, लेकिन माँ उसी जगह में दम तोड़ दिया। कारण क्या? जो कि माँ वयस्क है, ये बच्चा है, सांप का जहर तेजी से बच्चे को असर होना चाहिए, लेकिन माँ को लेट से होना चाहिए, लेकिन माँ मरने का कारण क्या? दोस्तों जान लीजिए, इंडियन कॉमन करेट न्यूरोटॉक्सिन बहुत देर से असर करता है, तुरंत नहीं होता, लेकिन वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हो सकता है माँ को 15-20 घंटा लगा होगा। लेकिन बात यह है कि उस जिसको सर्पदंश हुआ, वो लगातार जो दौड़ते हुए गया और उनका मन में एक डर था, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, उसी समय में माँ जो है वहाँ पहुँचा और वहाँ पर बच्चा जो है बेहोश हो चुका था, लेकिन बच्चा को ट्रीटमेंट लगाया गया, बच्चा अभी स्वस्थ है, लेकिन माँ का कारण यह है, माँ का जो मौत हुआ जहर के कारण नहीं, जहर बॉडी में तेजी से फैला ये बात सही है, लेकिन मौत जो हुआ सिर्फ हाइपरटेंशन से डर के कारण हुआ, क्योंकि माँ को ये डर था कि बच्चे को, मेरा बच्चे को कुछ ना हो, माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती। तो आप सभी को अनुरोध है, पहले एक छोटा सा ये रेस्क्यू देख लीजिए। तुरंत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब देख रहे हैं कि ये इंडियन कॉमन कर जिसको हम लोग झारखंड में इसको करेते बोलते हैं, और ये भारत का सबसे खतरनाक सांप। तो क्यों कहा जाता खतरनाक, देखिए सुन लीजिए, ये रात को ही काटता है, दिन में आज तक कभी सुने नहीं होंगे दिन में किसी को काटा है, और रात को ही निकलता है शाम को, और ये भोजन का संधान में खाने के बाद ये चुपचाप इंसान जहाँ सोता है उस जगह में बिस्तर में चुपचाप सो जाता है, घुस जाता है, और ये जो है इतना धीरे से काटता है, गोहूमन या दूसरे सांप आपको काटेगा इसका चुभन ये पता चलेगा, दर्द महसूस होगा, लेकिन इसका एक जरा सा दर्द महसूस नहीं होगा, और ये इसका दांत जो है सुई से 10 गुना पतला होता है, जिसके कारण जो है कि कभी भी किसी को काटता है तो पता नहीं चलता, और दर्द भी नहीं होता, और जलन भी उस समय नहीं होता। 3 घंटे के बाद जब जो है जहर पूरी तरह शरीर में पूरा फैल जाएगा, तब आपका पेट में अचानक दर्द होगा, दर्द धीरे धीरे मीठा मीठा दर्द होगा, उसके बाद ऐंठन शुरू होगा, और खास करके आदमी कभी भी रात को ऐंठन होगा तो आदमी सोचेगा कि मेरे पेट में कोई अनपच हुआ, हो सकता खाने में कुछ गड़बड़ी हुआ, तो आदमी तुरंत जो है ये ध्यान नहीं देता हमको सांप काटा है, क्योंकि सांप काटेगा तो सबसे पहला उसका सूजन होगा, दर्द होगा, इसमें दर्द तो होता नहीं है, जिसके कारण इस सांप को नाम दिया गया साइलेंट किलर, कि रात को चुपके से बिस्तर में ही काटता है, आज तक कभी नहीं सुनेंगे उसको दिन में किसी को काटा है, और काटने के बाद ये 3 घंटे का आदमी कोमा में चल जाता है, कोमा में जाने के बाद ये 36 घंटे आदमी कोमा में रहता है, 72 घंटा उसके बाद मर जाता है अगर इलाज सही नहीं हुआ तो, इसको वेंटिलेटर जरूरी है।
मतलब बिना वेंटिलेटर का कभी बच नहीं सकता। आईसीयू वेंटिलेटर इसमें चल रही है और पेशेंट, और ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, डायरेक्ट हमारा दिमाग में अटैक करता है, न्यूरो को तुरंत बाधित कर देता है, मतलब हमारा सोचने समझने का शक्ति और पागलपन तुरंत जाता है। आदमी को चारों हाथ पर बांध के ट्रीटमेंट होता है इस सामने। और देखिए इसके कारण मैं अपना हाथ में लेकर रखा हूँ साइलेंट किलर, किंतु भारत में पहला मैं इसके बारे में हम बताया था, और अभी यूट्यूब में इसके बारे में हजारों आदमी इसके बारे में पढ़ते जानते हैं। और लेकिन ये सांप जो है शर्मिला होता है, जल्दी काटता नहीं, लेकिन जैसे आपका पैर हाथ पड़ेगा तो काट लेगा। और इसका सबसे बड़ी ये गोहमन की जैसा बाइट नहीं करता, मतलब डसता नहीं है, फन उठा कर डसता नहीं। क्यों? कि गोहमन का ऊपर मुँह का अगले हिस्सा में दो दांत होता है, यह असल वाइपर जिसको चहचंदा बोलते, वो डसता है, ये डसता नहीं, क्योंकि इसका दांत जो आगे नहीं होता, एकदम पीछे में यहाँ होता है, ये आँख का पास होता है, जिसके कारण डस नहीं पाता, दांत पीछे होता है। इसलिए क्या करता है, एक दांत को ऐसे निकालता है, ऐसे स्क्रैच कर देता है, और एक दांत ऐसा लगता है कि आपको खाली आँख में पता भी नहीं चलेगा। अगर ये आपका सामने भी काट ले, आपको पता नहीं चलेगा सांप काटा है। और अगर तुरंत काटते हुए देख लिए तो थोड़ा मोड़ा ब्लड आएगा, तो दो मिनट के बाद इसका ब्लड भी नजर नहीं आया, जिसके कारण आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तो बोलेगा भाई सांप नहीं काटा, जिसके कारण भारत में सबसे ज्यादा मरता है। और गोहमन का 12 मिलीग्राम जहर से इंसान मरता है, और ये ऐसा दुनिया का सांप है सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर से मर जाता है। कौन सा भाई ये? इसको कॉमन कैरेट बोलते हैं, जिसको हम लोग साइलेंट किलर हम नाम दिए इसका, और इसको हम लोग इधर काला चित्ती बोलते हैं, झारखंड में बंगाल में 20 तो इतना है कि भारत का सबसे खतरनाक सांप है, भारत का सबसे जहरीला सामान आता है। दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।